ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो क्या है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो रिसेंटली एक मेंबर जो ऐड किया गया है वो कौन सा है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक न्यू मेंबर ऐड किया गया है उसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको SCO बोलते हैं, इसको शंघाई पैक्ट भी बोला जाता है, इज अ यूरेशियन पोलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है जी। द क्रिएशन ऑफ विच वॉज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई। ठीक है, तो इसकी जो क्रिएशन की गई थी वो की गई थी, यानी कि इसको अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 को शंघाई में, शंघाई कहाँ पे, चाइना में, बाय लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जी आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शंघाई पैक्ट बोला जाता है। एक यूरेशियन पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है और जिसकी क्रिएशन जो आप की गई थी उसको अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 शंघाई में, यानी कि चाइना में, चाइना by leaders of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan। उसके बाद अगर हम बात करें शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर जो है फॉर्मली ये इस्टेब्लिश किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो इसको इस्टेब्लिशिंग किया गया था ऑर्गेनाइजेशन को, वाज साइंड इन जून 2002, इसको 2002 में इसको साइन किया गया एंड एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003, यानी कि इसको इसके चार्टर को साइन किया गया था जून 2002 को और ये एंटर इनटू फोर्स हुआ, यानी कि एंटर इनटू फोर्स कब हुआ, 19 सितंबर 2003। अगर हम बात करें फाउंडिंग कंट्रीज विद द एक्सेप्शन ऑफ उज्बेकिस्तान वेर प्रीवियसली मेंबर ऑफ द शंघाई फाइव ग्रुप, यानी कि इसको पहले शंघाई फाइव ग्रुप बोला जाता था, द प्रीक्योर्सर्स टू द SCO फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। इसका जो फाउंडेशन, इसको जो फाउंड किया गया था वो कब किया गया था, 26 अप्रैल 1996 में। Since then, the organization has expanded its member to 9 states with India and Pakistan joining on 9 June 2017. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बता दूँ 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। आप देख सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप टू 9 स्टेट्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइनिंग ऑन 9 जून 2017। अगर इसके बाद हम बात करें प्रीडेसर्स की, यानी कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो ग्रुप था उसको बोलते थे शंघाई फाइव ग्रुप और इसको फाउंडेशन इसकी, यानी कि इसको फाउंड किया गया था 26 अप्रैल 1996 में। और इसकी अगर हम बात करें शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फाउंडेशन जो हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2011 में, यानी कि 2011। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है च्योंगयांग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है जी, बीजिंग में। और अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज एंड रशियन, और अभी करंट में इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है व्लादिमीर नोरोव। देन हम बात करेंगे मेंबरशिप की, काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी और 9 मेंबर स्टेट्स में मैं आपको बता दूं इंडिया भी है और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी है। तो 9 मेंबर स्टेट्स में कौन कौन सी है, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। अभी रिसेंटली ईरान को ऐड किया गया है, यानी ईरान जो है अब न्यू मेंबर बना है। हम बात करेंगे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट में आपकी अफगानिस्तान आ गई, बेलारूस आ गई, मंगोलिया आ गई और रिसेंटली ईरान ने इसको शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो मैं आपको बता दूं 17 सितंबर को इसने ज्वाइन किया 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात करें फिनेंस कोड असिस्टेंट की, तो आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सा जो न्यू मेंबर जुड़ा है, यानी कि उसने कौन सा न्यू मेंबर जो ऐड किया है, तो आपका आंसर होगा ईरान, यानी कि 17 सितंबर को इन्होंने इसको ऐड किया। अब ईरान जो है मेंबर स्टेट है किसकी, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।